हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छह सूत्री मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। कस्बे के राजकीय पवेलियन में राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को अपनी छह सूत्री मांगों को लेकर छात्र नेता प्रवीण मेवाड़ा के नेतृत्व में एकत्रित होकर एक राय होकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया, जहाँ से सभी एक राय होकर कतारबद्ध तहसील तिराहे पहुंचे, जहां पर सभी विद्यार्थी रोड पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर रेवदा थाना अधिकारी कपूरा राम चौधरी में जाप्ते ने पहुंचकर छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने। वे रेवदा उपखंड अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। वहीं कुछ देर बाद छात्रों को थोड़ा साइड में कर रास्तों को एक तरफ से खुलवाया गया, जिस पर कुछ समय बाद रेवदर उपखंड अधिकारी रामजी भाई कल भी वहां होकर गुजरे। 5 मिनट रुके भी, लेकिन अपने सरकारी वाहन से बाहर कदम नहीं रखा, जिससे छात्र और नाराज हो गए। उक्त छात्र आंदोलन की सूचना रेवदर विद्या अधिकारी नरेंद्र सिंह देवड़ा को मिलते ही मौके पर पहुंचे। वह छात्रों को सावचेत कर सेलवाड़ा मार्ग को खुलवाया गया, जिससे छात्र छात्राएं उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर जा पहुंचे, वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। उपखंड अधिकारी पहुंचे छात्रों के बीच नहीं दिया ज्ञापन, रेवदर सरपंच के अनुरोध पर सौंपा ज्ञापन। छह सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के उपखंड कार्यालय पहुंचने के बाद रेवदर उपखंड अधिकारी के छात्रों के बीच पहुंचने के बाद भी गुस्साए, छात्रों ने ज्ञापन नहीं सौंपा व मौके पर जिला कलेक्टर सिरोही को बुलाने व ज्ञापन देने की मांग की, जिसके बाद रेवदर उपखंड अधिकारी अपने चेंबर में जाकर बैठ गए। इस बीच छात्रों ने प्रशासन हाय हाय, राजस्थान सरकार हाय हाय, SDM हाय हाय के नारे लगाते हुए राजस्थान सरकार को कोसा। वहीं करीब 1 बजे के करीब रेवदर सरपंच अजबा राम के अनुरोध पर छात्र राजी हुए व रेवदर उपखंड अधिकारी को छात्रों के बीच बुलाकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं रेवदर उपखंड अधिकारी ने सोमवार को राजकीय महाविद्यालय आकर जायजा लेने का वादा किया है। छह सूत्री मांगों का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को देने के बाद विद्यार्थियों ने 1 महीने का समय दिया है। अगर 1 महीने में किसी भी प्रकार की कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो सभी छात्र छात्राएं 1 महीने बाद रेवदर से गुजरने वाले गुजरात कांडला हाईवे को जाम कर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके तमाम जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ये है छह सूत्री मांगे। उपखंड कार्यालय परिसर में विरोध कर रहे छात्रों से कई तरह की समझाइश करने के बाद उपखंड अधिकारी रेवदर को मुख्यमंत्री के नाम से छह सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में रेवदर राजकीय महाविद्यालय में भिन्न भिन्न विषय को लिए 21 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अभी कुल 2 व्याख्याता ही मौजूद हैं, जिससे विद्यार्थियों को आए दिन पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। साथ ही फैकल्टी की समस्या का समाधान शीघ्र नहीं होता है, तो हम विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय है। महाविद्यालय वर्तमान में स्नातक तक ही है, जबकि रेवदर उपखंड क्षेत्र बड़ा व जिले का मॉडल महाविद्यालय होने के बावजूद भी आखिरी विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। अत महाविद्यालय को स्नातकोत्तर तक किया जाए, विद्यार्थियों की रुचि अनुसार समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन समेत कई विषयों की भी मान्यता महाविद्यालय को दी जावे, ताकि विद्यार्थियों को आसानी रह सके। वर्तमान में रेवदर महाविद्यालय में 200 सीटें अनुमोदित हैं, जबकि आवेदन की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर सीटें बढ़ाई जाए। देश सेवा में जाने वाले युवाओं के लिए महाविद्यालय में NCC व NSS नहीं है, अत उन्हें भी यहाँ शुरू कराया जाए। महाविद्यालय में विज्ञान भवन बनकर तैयार हो चुका है, जिससे छात्र हित में विज्ञान संकाय दिया जाए, ये रहे मौजूद। इस मौके पर छात्र श्रवण चौधरी, सूरजपाल सिंह, श्रवण सिंह, पंकज मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, प्रवीण पंचाल, विपुल राव, राहुल मीना, सत्यम वैष्णव, हेमंत चौधरी, महेंद्र कुमार, श्रवण माली, विक्रम चारण, छगन चौधरी, किशन, कैलाश, महेंद्र, जितेंद्र। छात्राएं अंशी, काजल, हीना चौधरी, दीपिका, गायत्री, रुचि, खुशबू, नैना सहित अन्य सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जागरूक टीवी की रेवदा से विक्रम कुमार ढाबे की रिपोर्ट।